हाफिज सईद पर मेहरबान पाक सरकार, क्या शर्म नहीं आती इमरान खान? आतंक पर पाकिस्तान फिर एक्सपोज, लेकिन भारत से मिलेगी पाक को कड़ी डोज। पाकिस्तान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि उसे शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री इमरान खान की बेशर्मी की तो मिसाल मिलने भी मुश्किल है। आतंकवाद पर इमरान कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं और फिर अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, ये एक बार फिर साबित हो गया है। पाकिस्तान में आतंक के जिन आकाओं के बैंक अकाउंट सील किए गए थे, उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। खबर के मुताबिक लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का बैंक अकाउंट बहाल कर दिया गया है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान में रियायत मिली है, उनमें लश्कर के अलावा जमात उद्दावा के आतंकी भी शामिल हैं। इनमें अब्दुल सलाम भुट्टवी, हाजी अशरफ, याहिया मुजाहिद और जफर इकबाल के नाम हैं। ये सभी यूएन के लिस्टेड आतंकवादी हैं, जिनके बैंक अकाउंट पर पाकिस्तान ने बैन लगाया था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद इनके खाते बहाल कर दिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की असली चाल हम आपको बताते हैं। हाफिज सईद समेत ये सभी आतंकी अपने बैंक अकाउंट पर बैन लगने से परेशान थे, क्योंकि आतंक के इनके कारोबार पर असर पड़ रहा था। इनके दबाव के बाद पाकिस्तान ने प्लान बनाया, जिसके तहत हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों ने पाकिस्तान सरकार को एक अर्जी दी, जिसमें कहा गया कि उनके परिवार को खर्च चलाने में मुश्किल आ रही है। ये अर्जी पाकिस्तान ने यूएन तक पहुंचा दी। आपको बता दें कि दबाव पड़ने पर इन सभी आतंकियों को आतंक फंडिंग केस में पाकिस्तान ने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन कोरोना के बहाने से हाफिज सईद को जेल से छोड़ दिया गया, जबकि बाकी चार आतंकी अभी भी लाहौर की जेल में बंद हैं। इंसानियत की दलील देकर पाकिस्तान ने अपने चहेतों को तो उबार लिया, लेकिन पाकिस्तान की चालाकी देर तक काम नहीं करने वाली है। आतंक पर लगाम नहीं कस पाने की वजह से पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निशाने पर है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। आतंकियों को मदद करने के मामले में आसार हैं कि FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है, और तय है कि FATF की अगली बैठक में पाकिस्तान के आतंकियों के खाते बहाल करने के फैसले पर भी चर्चा होगी, और तब पाकिस्तान के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। उधर अमेरिका भी आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को खरी खोटी सुना चुका है। पाकिस्तान को जवाब देते नहीं बनता कि क्यों हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेता, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्म सरकार को ऐसे सवालों से फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान तब तक सबक नहीं सीखेगा जब तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। न्यूज टाइम नेशन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।